एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला पहली कोर्स शुरू कर रहे हैं आपके साथ, एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला। और एडवांस एक्सेल विद फॉर्मूला में हम आपके साथ बातचीत करेंगे सिलेक्शन मेथड। अब सिलेक्शन मेथड क्या होता है, चलिए इस पे डिस्कस कर लेते हैं। और क्यों शुरुआत कर रहे हैं सिलेक्शन मेथड से, देखिए सिलेक्शन मेथड से शुरुआत करने के पीछे रीजन ये है कि हम एक्सेल में कुछ भी करते हैं, एनीथिंग कुछ भी करते हैं, तो नीड टू सिलेक्शन। जब तक हम सिलेक्ट ना करेंगे तब तक हमारा कोई भी वर्क नहीं होगा। सो कुछ भी करने के लिए नीड टू सिलेक्शन होता है कि हम सिलेक्ट करें तभी हम कुछ कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। राइट सर? ओके या अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है चलिए सिलेक्शन तो हम बात समझ गए, तो सिलेक्शन से बेनिफिट क्या होता है? देखिए ऑटोमेटिक डायनेमिक सिलेक्शन कब करते हैं, जब डेटा आपके पास हजारों लाखों में होता है तो माउस से सिलेक्शन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, उसी शॉर्टकट्स के बारे में हम आपके साथ जिक्र कर रहे हैं। तो अगर ये डेटा आपके सामने है आपको सिलेक्ट करना है तो माउस से जनरली क्लिक करके आप सिलेक्ट करते हैं, तो माउस से ही सिलेक्ट करना है। एक चीज और आप कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में क्लिक करें, शिफ्ट को होल्ड करें और लास्ट में क्लिक कर दें। ठीक है, लास्ट में क्लिक करें, शिफ्ट को होल्ड करें और स्टार्ट में क्लिक करें। Okay. इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट सर? ओके जी। तो आप जो है इस तरह से अपने डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं ईज। ओके अब बात आती है कीबोर्ड की सिलेक्शन। तो जनरली हम कीबोर्ड में शिफ्ट को प्रेस करके कर्सर को मूव करते हैं, एरो की से और सिलेक्ट करते हैं। आप अगर सब एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस कर सकते हैं, जिसको हम करेंट रीजन कहते हैं। मतलब फाइन एंड सिलेक्ट के अंदर गो टू स्पेशल में ए आपका करेंट रीजन होता है, इसको ओके करेंगे तो आप सिलेक्ट करते हैं। तो आप कंट्रोल ए से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है सर? जी जी जी। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है कि अगर आपने दो बार कंट्रोल ए कर दिया तो पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। हालांकि पूरी शीट सिलेक्ट करने के लिए आप वन और ट्रायंगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो पूरी की पूरी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। जी। लेकिन एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे कि बीच में अगर पूरा का पूरा एक ब्लैंक स्पेस है, अगर आप तब सिलेक्शन करते हैं तो क्या होगा कि आपका इस ब्लैंक से ऊपर का सिलेक्शन होगा, नीचे का सिलेक्शन नहीं होगा। जी। ब्लैंक से ऊपर का सिलेक्शन होगा, नीचे का सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है सर? जी। तो जब ब्लैंक हो तब कंट्रोल ए मत कीजिएगा, तब आप अपना माउस से या फिर कीबोर्ड वाला सिलेक्शन होता है वही कीजिएगा, इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कर्सर मूव करने का। कर्सर मूव, जैसे मान लीजिए मुझे सबसे लास्ट में आना है डेटा के, तो एक एक कर्सर आने से अच्छा है कि कंट्रोल के साथ डाउन एरो यूज करें, राइट एरो, अप एरो, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। अब कंट्रोल के साथ शिफ्ट भी प्रेस कर दें तो सिलेक्ट होते हुए नीचे की तरफ जाएगा, जैसे कि मुझे डेटा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन है, मेरा डेटा सिलेक्ट हो गया। लेकिन ध्यान रखिएगा अगर बीच में ब्लैंक हुआ तो यही तक ऊपर तक आकर रुक जाएगा, नीचे नहीं आ। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अब यहां पे ये तो छोड़, ठीक है। अब यहां पे बारी आती है मल्टीपल सिलेक्शंस की, या सिलेक्शंस में एक और चीज है वो है हमारा होम का। जैसे कि मैं एंड प्रेस किया, एंड की, अब यहां नीचे देखिए एंड मोड आ गया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा सबसे लास्ट में चला जाएगा डेटा, आ गया सर? ऐसी मैं शिफ्ट के साथ एंड करूंगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, शिफ्ट के साथ एंड और सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट एंड बटन, आपके कीबोर्ड में एंड की होता है उसको प्रेस करेंगे तो पूरा डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। या नीचे है तो आप होम पे करेंगे कंट्रोल शिफ्ट होम तो होम पे चला जाएगा, या कंट्रोल होम तो कर्सर होम पे आ जाएगा। जैसे मैं नीचे हूँ और मुझे सबसे ऊपर जाना है तो जस्ट कंट्रोल होम कीजिए, आप ऊपर पहुंच जाए। ओके ठीक है सर। अब इसमें बारी आती है मल्टी सेल सिलेक्शन, जैसे कि मैं एक एक करके कई सारे सेल को सिलेक्ट करना चाहता हूं तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। कंट्रोल को होल्ड रखें, क्लिक करते जाएं, सिलेक्शन होता जाएगा अपने आप। कंट्रोल रखें और क्लिक करता जाएं, ऑटोमेटिकली आपका सिलेक्शन होता जाएगा।
लेकिन ध्यान रखिएगा इस पे आप कोई कॉपी वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि तो जैसे आप कॉपी ट्राई करेंगे आपको एरर देगा। लेकिन आप जो है एक चीज और कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करें, कंट्रोल प्लेस करें और सीक्वेंस में सेलेक्ट करें। जैसे कि मैं सीक्वेंस में सेलेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ तो इजिली मेरा सिलेक्शन हो रहा है, दिख रहा है सर? जी 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 ऐसे इजिली आप सिलेक्शन कर सकते हैं, है सर? लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने 1 से 3 सिलेक्ट किया और मुझे ई कॉलम में सिलेक्ट करना है, तो ई कॉलम में भी आपको 1, 2, 3 ही सिलेक्ट करना हो, तब आप कॉपी कर पाएंगे, अदरवाइज कॉपी नहीं कर पाएंगे। मतलब कि सेम साइज सीक्वेंस होना चाहिए तभी आप कॉपी करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, आप अलग अलग डेटा को कॉपी कीजिएगा लेकिन जब पेस्ट कीजिएगा तो इकट्ठा पेस्ट होगा, ओके? अलग अलग पेस्ट नहीं होगा, वो इकट्ठा ही पेस्ट होगा, राइट सर? जी 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 अब बात करते हैं कि क्या मल्टी सिलेक्शन सीट पे वर्क करता है। चलिए मैंने एक नई फाइल ली है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल नई। अब मुझे इस नई फाइल के अंदर कुछ कुछ चेंज करने हैं। देखिए सर, शीट पे मैंने डेट ही लिखना है तो पूरे सीट पे लिखना है, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल को की को होल्ड किया, हमने कंट्रोल शिफ्ट को शिफ्ट की को होल्ड किया और सबसे लास्ट में क्लिक कर लिया, तो क्या हो गया, पूरा सीट सिलेक्टेड हो गया सर। ओके अब मैं कुछ भी करूंगा सारे शीट में होगा। जैसे मैंने यहाँ पे आज का फॉर्मूला लिख दिया कि डेट, आज का जो है डेट डाल दिया, तो आप देखेंगे कि हर सीट के सेम A1 और B1 के ऊपर डेट एंट्री हो चुकी है। ओके मैं चाहता हूँ कुछ सिलेक्टेड शीट पे फीचर अप्लाई करना चाहता हूँ, तो प्रेस द कंट्रोल और कुछ सिलेक्टेड शीट जो भी है उसको आप सिलेक्ट करें और यहाँ पे आप लिखें टुडे टाइम, सॉरी टाइम दे देते हैं, टाइम और यहाँ पे हमने टाइम दे दिया। आप देखेंगे सीट 4 में टाइम नहीं है बट सीट 5 में है, तो जो सिलेक्टेड है उस पर हमने किया। तो इसका यूज आप कर सकते हैं अपने ऑफिशियल लाइफ में, कि आपको सारे शीट्स पे एक ही पोजीशन पे कुछ टाइप करना हो तो एक एक ना करके आप कंट्रोल और शिफ्ट का यूज कर सकते हैं। डाउट इसमें सर? नो। अब सिलेक्शन की बात हमने कर ली, अभी हमने बहुत सारे शॉर्टकट्स के बारे में बात किया। जाहिर सी बात है कि शॉर्टकट हमारी स्पीड को 30% इंक्रीज कर देता है अगर हम माउस के जगह पे शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन शॉर्टकट्स मिलेंगे कहाँ से? तो ऊपर आपको सर्च बार दिख रहा है ना सर, एक्सेल का, इसमें आप सर्च करें शॉर्टकट और यहाँ फाइंड गेट हेल्प में एक दिख रहा होगा कीबोर्ड एक्सेल शॉर्टकट, इस पे क्लिक कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब आप इसका यूज करें तो आपके पास इंटरनेट का कनेक्शन हो, क्योंकि लेटेस्ट एक्सेल जो हमारा ऑफिस 365 है, चाहे 2016 है, 19 है, उनके जो हेल्प है वो ऑनलाइन, सो इंटरनेट कनेक्शन होनी चाहिए। ओके अब कुछ लोग ऑफिस में इसका यूज करते हैं, ऑफिस में इंटरनेट कनेक्शन अलाउ होते नहीं है और वहाँ उनको प्रॉब्लम होती है, मुझे फ़ोन करते हैं कि सर आपने गलत बताया। तो सारे शॉर्टकट यहाँ अवेलेबल है। अब मैं पहले ही दिन शॉर्टकट इसलिए बता देता हूँ क्योंकि मैं क्लास में बहुत कम शॉर्टकट यूज करता हूँ। इसके पीछे रीजन ये है कि आप मेरा माउस मूवमेंट तो दिख रहा है ना आपको सर? जी 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 मूवमेंट तो नहीं दिख रहा इसलिए, ठीक है सर? जी जी अब आप बात करते हैं हम डेटा टाइप करने की। देखिए ये आपका जो है सेल होता है, एक कॉलन होता है, कॉलन के अंदर रो होता है, सेल होता है, इसमें कुछ भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन कुछ इंडिकेशन इसका ध्यान रखिए कि हमेशा नंबर जब भी हम टाइप करते हैं तो लेफ्ट साइड में टाइप होता है और टेक्स्ट जो है हमेशा राइट साइड में आता है। हालांकि इसको हम अलाइनमेंट के मदद से लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं पर डिफॉल्ट लेफ्ट राइट सिंबल होता है। अब किसी नंबर को हम सिंगल कोट में डाल दिए इस तरह से तो ए आपका राइट साइड में आ रहा है, तो ये आपका कहलाता है कि ये टेक्स्ट है, ठीक है ना, ये टेक्स्ट कहलाता है। और ए जो आपको दिख रहा है किसी भी खेल में इस तरह का आया तो ये आपको एरर चेकिंग का ये सैम्बल है, ये चेक करके इसकी प्रॉब्लम बता रहा है कि नंबर एज ए स्टोर एज ए टेक्स्ट, इसका सोल्यूशन कन्वर्ट नंबर है या इसके ऊपर कुछ और चाहिए चाहते हो तो ले सकते हो, ये हर जगह पे आएगा फॉर्मूला नंबर सब कुछ में।
ओके एक चीज और ध्यान रखिएगा कि किसी भी नंबर के साथ, जैसे कि मैंने 100 और एमआरपी डाल दिया, अब इसके अंदर हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, ओके लेकिन मुझे कैलकुलेशन भी करना है और एमआरपी भी शो करना है, तो उस केस में हम फॉर्मेटिंग का जिक्र करते हैं, जो कि हम कस्टम में जाते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 0 और एमआरपी। हालांकि इसके बारे में आपको आगे क्लास में डिटेल में समझाऊंगा। अब जो है आप ओके सोचेंगे एएमआरपी एएमआरपी दोनों इकट्ठा नहीं है, ए सिर्फ 1500 है बट विजुअल हो रहा है एमआरपी, और ए जो है आपका 1500 और एमआरपी दोनों साथ लिखा हुआ है। अब ओके कैसे पता चल रहा है? जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो आपके फॉर्मूला बार में दिखती है। यहाँ देखिए 1500 शो हो रहा है विथ एमआरपी, बट यहाँ पे सिर्फ 1500 शो हो रहा है विदाउट एमआरपी। तो इसका बेनिफिट होता है कि ए दिख तो रहा है टेक्स्ट की तरह बट है नंबर। तो ओके इस पे हम किसी भी तरह का मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि सिंपल सा मेथड है, किसी भी नंबर के साथ कोई टेक्स्ट ऐड हो जाती है तो टेक्स्ट हो जाती है। किसी भी नंबर के ओके साथ अगर आपने कोई टेक्स्ट ऐड कर दिया तो टेक्स्ट क्या हो जाता है? नंबर क्या होता है? टेक्स्ट हो जाता है। जी मतलब उस पे हम कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं कर सकता। अब इसी रूल्स को फॉलो करते हुए हम यहाँ भी कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ओके समझ गए? जी उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हमें डेट लिखना हो, अब आप डेट लिखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चेक कीजिए आपके सिस्टम का डेट फॉर्मेट क्या है। सिस्टम में कई सारे डेट फॉर्मेट होता है, कंट्री टू कंट्री चेंज होता है। अब जैसे कि इंडिया में जी बहुत सारे लोग हैं यूएस कंट्री को यूज करते हैं, यूएस रीजन को यूज करते हैं डेट टाइम के लिए, सेटिंग के लिए, जो सिस्टम की सेटिंग होती है, खासकर इंस्टॉल करते समय, विंडो इंस्टॉल करते समय आती है, या फिर रीजन सेटिंग में कंट्रोल पैनल में जाकर हम चेंज करते हैं। जी तो जैसे मैंने इंडिया सेलेक्ट कर रखा है, तो मेरे पास क्या है? DDMMYY। क्या है? DDMMYY। वाई वाई फिर डेट है, फिर मंथ है, फिर ईयर है। तो मुझे अगर डेट यहाँ टाइप करनी हो तो मैं यहाँ डालूंगा 21/9। अब आपके सिस्टम में अगर MMDDYY जनरली आपका होगा तो आपका ए टेक्स्ट नहीं, ए डेट नहीं, ए टेक्स्ट हो जाएगा, ए डेट में कन्वर्ट ही नहीं होगा। जी ठीक है ना? अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और भी आती है कि ऐसे केसेस में होता है क्या है कि मैंने मान लीजिए भेजा आपको 7 दिसंबर, ठीक है, 7 दिसंबर, आपके सिस्टम में हो जाएगा 12 जुलाई। क्या हो जाएगा? 12 बारह जुलाई जुलाई क्यों? क्योंकि मेरा मंथ आपका डेट बन जाएगा और मेरा डेट आपका मंथ बन जाएगा। ऐसी सिचुएशन में हम डेट फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे कि 2022.7 नहीं 9 है ना, 9.21। अब हर सिस्टम पे जाएगा तो 21 सितंबर ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। या फिर बेटर है कि आप जो है कि जैसे कि बाकी जगहों पे होता है कि ईयर मंथ और डेट को अलग अलग डाला जाता है कि 2022 नौवां महीना, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। क्लियर है? ओके जी तो डाउट इसमें नहीं नहीं ये हमारी टाइपिंग के बारे में हो गई कि हम कुछ टाइप करते हैं क्या। देखिएगा जब भी हम कोई वैल्यू टाइप करती है वो सेल के अंदर होता है। यहाँ देखिए इस B3 के अंदर हो गया, तो B3 की वैल्यू हो गई क्या? जी जी। तो ऐसे ही होता है। तो डेटा तीन तरह के होते हैं, पहला होता है आपका नंबर, दूसरा होता है आपका टेक्स्ट, और चौथा ओके होता है डेट एंड टाइम। हालांकि देखा जाए तो डेट एंड टाइम को भी एक तरह से नंबर ही माना जाता है, क्योंकि तो जब कोई डेट लिखते हैं इसके ऊपर अगर जनरल फॉर्मेट अप्लाई करेंगे तो एक तरह का नंबर बन जाता है। ओके या तो टेक्निकली दो तरह का डेटा हो गया, टेक्स्ट और न्यूमेरिक। ठीक है? कोई जी जी डाउट इसमें सर? नहीं अब बात करते हैं कैलकुलेशन की। देखिए कैलकुलेशन के लिए एक्सेल सबसे बेस्ट है। अगर हम एक्सेल की यूजेस को डिफाइन करें कि व्हाट इज यूज ऑफ द एक्सेल, तो उसके 5 पॉइंट निकलते हैं। पहला, डेटा स्टोरेज। हम डेटा को स्टोर करते हैं लेकिन एक्सेल डेटाबेस नहीं है। अब मैंने बोला डेटा स्टोर करते हैं, एक्सेल डेटाबेस नहीं है, तो फिर क्या डेटा स्टोर करेंगे? तो इसमें कई तरह का डेटा स्टोर होता है, जैसे कि आपका मिसलेनियस डेटा। जैसे आप टैली यूज कर रहे हैं, चाहे फीको शैफ यूज करते हैं, तो आप
जो पेटी गैस होते हैं, छोटे मोटे ऑफिस के खर्चे होते हैं, उसमें तो नहीं डाल सकते ना सर, वो तो इसको आपको एक्सेल में डालना पड़ेगा हिसाब किताब रखने के लिए। दूसरा यहाँ पे आता है एनालिटिक, आपका एसएमई शॉर्ट मीडियम इंटरप्राइज है, जो ये है मीडियम साइज के हैं वो लोग जो है इसका यूज करते हैं डेटा, जैसे हम लोग जो लोग हैं डेटा यूज करते हैं। तीसरा जो हमारा यहाँ आता है वो आता है एनालिटिक्स डेटा। बड़े बड़े कंपनी में हम एनालिटिक्स डेटा, जब भी कोई रिपोर्ट ऑटोमेट करते हैं तो उसके लिए उसका डेटा हमें रखना पड़ता है ना, तो एनालिटिक्स डेटा का इस्तेमाल होता है। ठीक है सर, जी तो यहाँ पे तीन तरह की चीजें हम करते हैं। समझ में आ गया सर, कोई जी जी बिल्कुल दिक्कत? नहीं। तो दूसरा आता है कैलकुलेशन। एक्सेल में कैलकुलेशन बड़ी आसानी से की जाती है, बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन होती है। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन के लिए ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले हैं। उसके अलावा हम अपनी मैथमेटिकल ऑपरेटर जैसे कि प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई और ये आपका पावर का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक प्रोडक्ट को बाय किया और सेल किया, तो बाय जो है मान लीजिए 50 में किया, 55 में सेल किया, मुझे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने हैं। अब प्रॉफिट परसेंटेज के लिए मान लीजिए आपके एक्सेल में फॉर्मूला नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ करेंगे कि सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय, सिंपल। जी अब यहाँ पे ये चीज ब्रैकेट में बोर्ड मास्क की मदद से ले लीजिए कि सेल माइनस बाय डिवाइड बाय बाय। तो कैलकुलेशन बड़ी आसानी से यहाँ की जा सकती है। मैथमेटिकल जो हमारा थ्योरम है उसको आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ में हम एक सेल टू सेल कैलकुलेशन कर पाते हैं एक्सेल में, लेकिन आप एक्सेस की बात करें, टैबलू की बात करें, पावर बीआई की बात करें और भी जितने सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी बात करें, तो फिल टू फिल कैलकुलेशन, एक पूरी फिल टू फिल की कैलकुलेशन करता है। समझे? जी। तो इसलिए कैलकुलेशन के हिसाब से बहुत ही परफेक्ट एक्सेल है। अब एक्सेल का जो वर्जन है मैं बता दूं आपको, जो लेटेस्ट है ऑफिस 365 मैं आपको करा रहा हूँ विंडो बेस। जैसे कि मैंने बताया कि आपके जो मैक का है उसमें थोड़ी सी हो सकती है, जैसे कि आप अपना एक्सेल खोल कर मेरे एक्सेल खोल के दोनों का कंपेयरिंग करके देख सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत चेंज मिलेगा। मैं भी ऑफिस 365 ही यूज कर रहा हूँ। जी हाँ, जी तो एक चीज होगी। अब एक चीज जान लीजिए कि आपको पता होना चाहिए कौन सा फीचर किस मेनू में मिलेगा। अब जैसे मान लीजिए आप इंटरव्यू में गए, आपके बॉस ने बोला कि तुम जो है एडवांस फिल्टर अप्लाई करो, आप एडवांस फिल्टर आप होम मेनू बार में यहाँ खोजने लगे, तो समझ जाएगा कि आपके पास एडवांस फिल्टर की नॉलेज ज्यादा नहीं है। क्या क्या कैसे पता चलेगा उसको? मतलब मैं यूज कर रहा हूं इस देखकर। हाँ, जैसे मैंने बोला आपको कि एडवांस फिल्टर इस्तेमाल करें और आप गए होम मेनू बार में फिल्टर में जाके एडवांस फिल्टर खोज रहे हैं, इसका मतलब आपको एडवांस फिल्टर के बारे में ज्यादा पता नहीं है। जी अब जैसे कि मैंने किसी ने बोला आपको कि एप्पल के बारे में जानते हो, आप बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छे से जानते हो, चलो पेड़ दिखाओ। अब एप्पल के पेड़ दिखाने के लिए आप अमरूद के बाग में घुस गए, इसे क्या समझा जाएगा? ओके ये मुझे नॉलेज नहीं है दादा। इसी तरह से क्योंकि एडवांस फिल्टर डेटा मेनू बार के अंदर होता है, होता है ना, तो आपको डायरेक्ट जी डेटा मेनू बार के अंदर एडवांस पे जाना, एडवांस पे क्लिक करेंगे तो हो जी सकता है सामने बंदा बोले ठीक है ठीक है रहने दो, ऐसे बोल दे जान जाएगा हाँ आपको आता है। क्योंकि पहले स्टेज यही होती है कि कौन सा ऑप्शन कहाँ मिलता है, जी ठीक है ना, तो उसकी ऑप्शन की प्रॉपर्टी से समझ सकते हो। जैसे कि अगर कोई ऑप्शन फाइल से रिलेटेड है तो फाइल में मिलेगा, एप्लीकेशन सेटिंग का है तो वो फाइल के अंदर ऑप्शंस में मिलेगा, अगर वो मोस्ट यूजेज है तो होम में मिलेगा, जैसे कि फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है फिर तो मोस्ट यूजेज है, क्योंकि होम के अंदर में से कॉपी पेस्ट करना, फॉर्मेटिंग करना, उसके बाद फिल्टर लगाना, प्रोटेक्शन करना, ये चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, एसेंशियल चीजें। इंसर्ट ओके में आपके वो सारे ऑप्शन हैं जो कहीं से इंसर्ट होके आ रहे हैं, जैसे कि पिक्चर इंसर्ट करना, पिवट इंसर्ट करना, चार्ट इंसर्ट करना, तो इंसर्ट वर्ड लगा हुआ है,
पेज लेआउट, पेज की सेटिंग, सिंपल सा पेज की सेटिंग से रिलेटेड चीजें आपको पेज लेआउट में मिलेगी, फॉर्मूला में फॉर्मूला चीजें मिलेगी, और डेटा में डेटा, जैसे कि आपके एडवांस फिल्टर लगाने के लिए बोला गया, इसके मतलब वो डेटा रिलेट करता है, तो डेटा मेनू बार में। प्रूफ रीडिंग से चीजें व्यू में होगी और विजुअलाइजेशन से व्यू में होगी, और प्रोग्रामिंग आपका डेवलपर में। आप बोले सर ड्रॉ छोड़ दिया, तो ये सब मैंने ऐड किए गए टाइम, ये है इससे डेवलपर हो गया या आरसी हो गया, आरसी में हमने ये सब एडिंग्स ऐड किया हुआ है, तो ये पॉपअप कैलेंडर पेपर टेबल ये सब मैंने एडिंग्स ऐड किए हुए हैं। ओके, तो आपके पास व्यू तक ही दिखेगा, बाकी नहीं दिखेगा। बाकी अगर डेवलपर आपने ऐड किया हुआ है तो डेवलपर दिखेगा, ठीक है जी जी। तो ये ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए। देखिए नो, जानना और किसी को एक्सप्लेन करना बहुत बड़ी बात होती है जी जी। नॉलेज को सामने एक्सप्लेन किसी को नहीं कर रहे हो तो फिर आपका काम पे कोई और बेनिफिट उठा के ले जाए, समझ गए जी जी जी। अब एक एक राइटर था, वो कभी बनना चाहता था बट वो हकलाता था, इस कारण से बोलता नहीं था। ओके, उसका दोस्त, उसको राइटिंग थोड़ी भी नहीं आती है बट वो उसको अच्छा रिप्रेजेंट करने आता था, स्टोरी को अच्छा पढ़ने आता था, तो अपने दोस्त के लिखी हुई सारी कविता को पढ़ता था, वो अपना बता के जी जी सारा क्रेडिट उसने ले लिया। उसी तरह से अगर आप जानते हो तो रिप्रेजेंट करना सीखो कि हाँ किसी ऑप्शन के बारे में जानता हूं तो आपको समझाना चाहिए कि ये चीजें हो सकती है इससे। ओके, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के लिए मुझे थोड़ी देर पहले, आपसे थोड़ी देर पहले एक प्रॉब्लम आया था, ये देखिए लास्ट में नहीं, प्रॉब्लम ये था कि ये यहाँ पे दिया गया है डेटा जो कि है डेबिट और क्रेडिट, लिख रहा है सर, बट प्रॉब्लम है कि इसने वही एमआरपी वाला सिस्टम अपनाया हुआ है कि उसने क्या किया हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा में जाके उन्होंने डीआरसीआर को मैनुअली लिखा होगा, दिख रहा है सर जी जी जी। अब इससे क्या हुआ कि फॉर्मेटिंग हो गई बट एक्चुअल में तो नंबर है, तो कैसे पता चलेगा कि डेबिट है क्रेडिट है, डेबिट कितना हुआ क्रेडिट कितना हुआ, ये निकालना बड़ी मुश्किल हो गई। ओके, अभी चीज जो है बंदे के पास गया तो बंदा बोलता है कि कैसे होगा, तो मुझे फॉरवर्ड किया, तो मैंने बोला कुछ नहीं करना है आपको, बगल में डीआर लिख देना, क्योंकि कोई फॉर्मूला फॉर्मेटिंग को रीड नहीं कर सकता, फॉर्मेटिंग को कोई रीड नहीं कर सकता, सिंपल सी बात समझते हैं, वो जस्ट विजुअल के लिए देखने के पर्पज से, लेकिन एक फ्लैश फील है जो फॉर्मेटिंग को रीड कर लेता है, तो वो विजुअल पे चलता है, ओरिजिनल पे नहीं चलता है। मैं फ्लैश फील अप्लाई किया तो सारे डीआर सीआर अलग एक सेल में आ, ओके आगे ना, अब तो आसानी से सेग्रीगेट किया जा सकता है कि डीआर कौन सा डेबिट कौन सा क्रेडिट कौन सा। जब मैंने उसको फोन पे समझाया कि ये करता है तो भी मुझे लॉजिक दिया कि डीआर सीआर तो विजुअल है, और जैसे कि बताया कि कोई भी ऑप्शन कोई भी फॉर्मूला विजुअल पे नहीं चलता ओरिजिनल पे चलता है, तो फ्लैश फिल कैसे चलेगा। हाँ फ्लैश फिल चलेगा, क्यों कैसे आपने चलेगा, करके देख लो चलता है, नहीं तो तुक्का मारने वाली बात हो गई, पता नहीं चलेगा। उसका बॉस था, मुझे बोलने लगा हम कैसे एक काम कीजिए डेट लिख, तो उसने डेट लिखा, हम डेट को जैन फैब के फॉर्मेट में कीजिए, हाँ कर लिया, आप बगल में जैन फैब के फॉर्मेट में कर दीजिए, तो हाँ कर दिया। हाँ अब क्या कीजिए, बगल में जैन लिखिए, एंटर प्रेस कीजिए, जैन को सिलेक्ट करके आप फ्लैश फिल कीजिए, हमें आ गया था, हाँ आ गया, क्यों डेट है डेट है, तो डेट क्या लग रहा है कि विजुअल डेट हो रहा है बट ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल तो एक नंबर है ना। इसका मतलब है कि फ्लैश फील विजुअल पे वर्क करता है, इसलिए आप यहाँ भी अप्लाई कर सकते। अब वो बंदा फ्लैश फील को जान रहा था बट वो फ्लैश फील को इमेजिन नहीं कर पा रहा, इसलिए हर जगह बारीक पे आप ध्यान दे और उसको रिलेट करें उससे, जैसे कि एक डॉक्टर पेशेंट के साथ रिलेट करता है, पहले सिगमेंट को देखता है, सिगमेंट देने के बाद फिर वो मेडिसिन देता है। अब देखिए एक ही बीमारी कई सारे मेडिसिन होते हैं जी जी, तो डॉक्टर अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से देखता है कि हाँ इस कैटेगरी के एक पेशेंट आया तो मैंने ये मेडिसिन दिया था उसको बहुत सूट किया था, तो इसको भी यही दे देता हूँ।
तो उसने क्या किया, अपने पुराने पुराने एक्सपेरिमेंट टाइप बोल लीजिए उससे उस रिलेट किया और उसने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। तो आपको यही करना है कि एक फीचर को अप्लाई करीजिए, उसको समझिए और फिर यहाँ पे इम्प्लीमेंट कीजिए। अब आती आती है प्रैक्टिस शीट की। देखिए आपको टाइम टू टाइम जो क्लासेस होगी तो आपको प्रैक्टिस शीट दी जाएगी ओके और प्रैक्टिस शीट को पूरा करके मुझे आपको देना हो, जी बिल्कुल ठीक है? तो मैं आपको प्रैक्टिस शीट जो दे रहा, अब हर दिन मिलेगा ये नहीं बोल रहा, हर दिन मिलेगा लेकिन बीच बीच में मिलता रहेगा, जब जरूरत पड़ेगी तो देता रहूंगा। जैसे आप फाइल मेनू बाहर है, इसमें क्या प्रैक्टिस आप करेंगे, इसमें आपको पीडीएफ मिलेगा जी पढ़ने के लिए, ठीक है ना? जहां जहां प्रैक्टिस शीट की जरूरत जी पड़ती है वहां देते हैं। तो आपको करना क्या ओके है, सबसे पहले जो सिलेक्शन मेथड समझाया उस पे भी, इसे हमने राइट की के बारे में बता, कीवर्ड शॉर्टकट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पढ़ के यहाँ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है ओके? फिर मैंने डाटा टाइपिंग के बारे में समझाया था, टेक्स्ट वगैरह वो सब दिया हुआ है, आप भी चाहो तो अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उसको भी अप्लाई करने की कोशिश करें, ओके ठीक है? फॉर्मूला जो हमने दिया है, फॉर्मूला जो कलेक्शन के बारे में बताया हुआ है, कैलकुलेशन के बारे में, वो चीज़ भी यहाँ पर है। अच्छा आपको डॉलर साइन के बारे में पता है, डॉलर साइन क्या करता है? हाँ वो फ्रीज कर फ्रीज देता करता, है। ठीक है। अब आपका प्रैक्टिस शीट दो है, पहला प्रैक्टिस शीट है कि यहाँ पे सारे कीबोर्ड को अप्लाई करके सर्च करना है, डेटा को सिलेक्ट करना है, ये प्रैक्टिस हो गया आपकी। एक जो मुझे आपको ओके वापस करना है वो ये है कि आपको इस तरह का एक फॉर्मेट कैश मेमो एक एक्सेल शीट में बनाना है और उसका टोटल वगैरह रेट वगैरह कैलकुलेट करके हमको देना है। ओके बेसिक सा चीज है बट शुरुआत के लिए सही है, आप इस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए और हम कल की ठीक क्लास में सारी चीजों के बारे में बात कर लें।